हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। लास्ट टाइम की जो हमारी वीडियो थी वो थी कि दुख और उसके कारण क्या है। चलिए आज बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में। कभी आपने फील किया है? बहुत, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने फील किया होगा। कभी कभी आप बहुत खुश होते हो, यू फील सो एक्साइटेड। आपको लगता है यार कि एक इंटरनल हैप्पीनेस फील होती है किसी किसी टाइम। वो हैप्पीनेस होती तो है लेकिन वो रेगुलर नहीं रह पाती। मीन्स ऐसा लगता है जैसे कि डांस कर लो, इन्जॉय कर लो, पर वो होता कब है? एक्चुअल में हैप्पीनेस होती कब है? इंटरनल सेटिस्फेक्शन से हैप्पीनेस होती है या कुछ चीज़ गोल अचीव करने के बाद हैप्पीनेस होती है? टेम्परेरी हैप्पीनेस क्या होती है या परमानेंट हैप्पीनेस क्या होती है? चलिए इसके बारे में आज एक डिस्कशन करते हैं। उससे पहले एक स्टोरी शेयर करती हूँ। हम सब लोग कई बार सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा अर्न करना शायद एक हैप्पीनेस होती है। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मुझे या तो कोई गोल अचीव कर लिया तो हैप्पीनेस होती है, बट एक परमानेंट हैप्पीनेस जो फील होती है वो किन किन चीज़ों से फील होती है और किस किस चीज़ से हम उसको अचीव कर सकते हैं। एक लालची राजा था, उसको एक वरदान प्राप्त हो गया कि तुम जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो सोने की हो जाएगी। तो वो बहुत खुश हुआ। वो जिस चीज़ को हाथ लगाता था, लकड़ी को हाथ लगाता था वो सोने की हो जाती थी, पलंग को हाथ लगाता था वो सोने की हो जाता था, जग को हाथ लगाया वो सोने का हो जाता है। तो बहुत खुश कि अरे मेरे पास तो आसपास सब सोना चांदी हो गया, क्योंकि उसको लगता था उसकी खुशी जो है वो दौलत में है और सब चीज़ें जो आसपास, जितनी ज़्यादा दौलत, जितना ज़्यादा सोना उसके पास होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा और उस पावर से उसको हैप्पीनेस मिलेगी, वो खुशी मिलेगी। अब उसकी बेटी जो उसकी इमीडिएट फैमिली है जो उसके पास भाग के उसको पास आती है और वो उसको गले लगा लेती है, तो उसकी बेटी भी सोने की हो जाती है। वो जिस चीज़ को छूता है वो चीज़ सोने का हो जाता है। खाना खाने को छूता है तो खाना सोने का हो जाता है। परिवार को छूता है तो परिवार सोने का हो जाता है। तो तब वो वहाँ पे दुखी होता है और तब उसको वैल्यू पता चलती है कि एक अच्छा खाना, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार और प्यार करने वाले लोग कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं उस खुशी को महसूस करने के लिए और वो खुशी को पाने के लिए। एक्चुअली में खुशी होती क्या है? जो खुशी हम लोग शायद कई बार, हमें लगता है हम किसी टूर पे चले गए, हम अब्रॉड चले गए, हमने कोई फ्लाइट पकड़ ली तो वो हमें खुशी मिलती है। डेफिनेटली हम खुश होते हैं, बट जब हम वापस आते हैं तो वो खुशी थोड़ी सी टेम्परेरी होती है। कुछ दिनों के लिए हमें अच्छा लगा, वापस हम अपने रूटीन में आ जाते हैं। हम रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, रेगुलर अपने काम कर रहे हैं, इफ़ वी आर हाउस वाइफ तो हम रेगुलर अपने घर के काम निपटा रहे हैं, तो जो डेली रूटीन में हम लोग आ जाते हैं शायद उसमें हम खुशी महसूस नहीं करते और हम एक चेंज महसूस करते हैं। जब चेंज चलता है, थोड़ा सा चेंज आता है, किसी की शादी आ गई, किसी कोई पार्टी आ गई, कोई कोई घर में इवेंट आ गया, जब गेट टुगेदर्स हो गए, तो देन वी फील कि हाँ हम बहुत खुश हैं। आई एम सॉरी, लेकिन एक्चुअल में असली खुशी होती कहाँ है? जो असली खुशी जो मैं फील करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में, अगर आप परिवार के साथ मिल के बैठ के खाना खाते हो शांति से और पूरे दिन की बात डिस्कस करते हो, जो कि पहले का बहुत अच्छा रूटीन था कि एक पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता था, तो उसमें जो खुशी मिलती है सुख शांति से एक दूसरे से बात करने में, पूरे दिन की अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने से, तो बहुत अमेजिंग एक चीज़ प्ले करती है। चाहे आप किसी बड़े घर में रहते हो, चाहे छोटे घर में रहते हो, चाहे एक परिवार मिलकर प्यार से बैठ के खाना खाता है, तो उसकी खुशी अलग है। आपने घर पे पौधे लगाए हैं, सुबह जल्दी उठते हो और उठ के सुबह आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेचिंग करते हो, प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद जब आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उससे आपको बहुत खुशी मिलती है। आपने घर में पौधे लगा रखे हैं, सुबह सुबह उन पौधों की गुड़ाई करते हो, उन पौधों को प्यार करते हो, उन पौधों को पानी डालते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। उसके बाद अगर आप खुला आसमान देखते हो परिवार के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप अपने दिल की बात साझा कर सकें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टहलते हुए जब आप खुले आसमान के नीचे टहलते हैं और बातें करते हैं, आसमान में चांद सितारे देखते हैं, तो उसमें जो खुशी महसूस होती है शायद वो खुशी कहीं भी महसूस नहीं हो सकती। तो इस तरीके की खुशियां महसूस करने के लिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होनी ज़रूरी नहीं है, बट खुशी के लिए ये ज़रूरी है।